हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की। पहली से लगाकर आठवीं तक की जो मार्कशीट है उसके हम इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई वैकेंसी आती है हमारे सामने तो आठवीं के बेस पे या फिर पाँचवीं के बेस पर आती है, तो उसमें हम जो परसेंटेज है वो करेक्ट नहीं लिख पाते हैं और इसमें हमारी जो त्रुटि है हो जाती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो प्रतिशत है वो निकालना सीखेंगे। आठवीं की बेस पर अगर आपकी कोई वैकेंसी आती है, मान लीजिए कि पीओन की वैकेंसी है और उसमें फॉर्म फिलअप करना है और प्रतिशत एंटर करना है, तो आप करेक्ट प्रतिशत नहीं एंटर कर पाते। और इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि आप इस मार्कशीट के माध्यम से अपना जो प्रतिशत है वो कैसे दर्ज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी यह लोकल मार्कशीट है ठीक, और यहाँ पर देखेंगे आप पहली से लगाकर आप आठवीं तक की जो ये मार्कशीट है अगर आपके पास है तो आप अपना जो प्रतिशत है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आठवीं की मार्कशीट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मुझे यहाँ पर जो वार्षिक परिणाम ग्रेड मिला है वो बी ग्रेड मिला है, और इस बी ग्रेड के माध्यम से देखिए आप कैसे निकालेंगे अपना प्रतिशत। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास अगर बी ग्रेड मिला है तो आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए दिशा निर्देश दे रखा है यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास ए ग्रेड आया है तो आप उत्कृष्ट हैं ओके, आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, डिस्टेंस आपने मारा है और आप अपना जो प्रतिशत है वो 75% से लगाकर 100% के बीच में आप अपने जो प्रतिशत है वो दर्ज कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसी है तो अगर आपको ए ग्रेड मिला है तो आप 75% से लगाकर 100% के बीच में कोई सा भी प्रतिशत आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है ओके। अगर आपको बी ग्रेड मिला है उत्तम, तो आप 60% से लगाकर 75% के बीच में अपना जो प्रतिशत है वो लिख सकते हैं ओके, 74 लिख सकते हैं या फिर आप 61 लिख सकते हैं, या इसके बीच में आप अपना जो प्रतिशत है वो फॉर्म फिलअप करते समय दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सी ग्रेड मिला है, अच्छा मिला है, तो आप अपना प्रतिशत है वो 45% से लगाकर 60% के बीच में वहाँ अपना प्रतिशत लिख सकते हैं ओके। तो 46% से लगाकर 59% तक अपना जो प्रतिशत है वो दर्ज करेंगे कि इसके बीच में आप कोई सा भी जो अधिक अंक है वह दर्ज कर सकते हैं। तो 59 है आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको जो डी ग्रेड मिला है तो आप अपना जो प्रतिशत है वह इस प्रकार से दर्ज करेंगे 33% से लगाकर 45% तक है वहाँ आप अपना जो प्रतिशत है वह एंटर कर सकते हैं ओके। 33% से कम है तो आप यहाँ पर देखिए सुधार योग्य है, आप फेल हो जाएंगे ओके। ई ग्रेड वाले व्यक्ति है वहाँ फेल है, देख सकते हैं सुधार योग्य में। तो आपको इस मार्कशीट के लिए डबल से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ओके। आप इस प्रकार से इस मार्कशीट के माध्यम से आप अपना जो प्रतिशत है वह दर्ज करेंगे ओके। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या फॉर्म फिलअप करते समय
अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो आप अपना परिचय इस प्रकार से निकालेंगे कि एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 75 से 100 तक के बीच में ए ग्रेड वाले अपना प्रदर्शन थे वो कोई सा भी अंक है वो दर्ज कर सकते हैं, अधिकतम अंक दर्ज कर सकते हैं। 60 से 75% यानी बी ग्रेड आपको मिला है तो आप अधिकतम अंक यानी अधिकतम प्रतिशत है वहाँ अपना प्रतिशत दर्ज कर सकते हैं। 45 से 60 तक के सी ग्रेड मिला है तो आप अधिकतम प्रतिशत वहाँ दर्ज कर सकते हैं। 33 से 45% है तो आप अपना जो अधिकतम प्रतिशत है वो दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम का मतलब होता है फ्रेंड्स अधिक प्रतिशत, यानी कि आपको मान लीजिए कि 45 से 60% के बीच में है तो आप 60% है वह दर्ज कर सकते हैं। 33 से 45 के बीच में आप 45 तक भी अपना प्रतिशत है वो दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना जो फॉर्म फिलअप है वह करते समय आप अपना जो प्रतिशत है वह दर्ज करेंगे। आप रोल नंबर की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो रोल नंबर क्या है आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक रोल नंबर मिलेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुक्रमांक ओके और ये जो रोल नंबर है 8015 यह आपका रोल नंबर है ओके। आपको जो रोल नंबर भी फॉर्म फिलअप करते समय लगेगा तो यहाँ पर देखिए यह आपका जो अनुक्रमांक है यही आपका जो रोल नंबर है तो आप फॉर्म फिलअप करते समय यह नंबर है आप दर्ज करेंगे ठीक है। आप बोर्ड का नाम दर्ज ना करके आप अपनी स्कूल का नाम दर्ज करेंगे, जैसे कि आप लिखेंगे गवर्नमेंट्स बॉय ठीक है मिडिल स्कूल और आपकी स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे पिपलिया बुजुर्ग है तो आप पिपलिया बुजुर्ग लिख देंगे ठीक है। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पिपलिया बुजुर्ग, इस प्रकार से आप अपना जो स्कूल का नाम लिखेंगे और अपना जो रोल नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक ओके। यहाँ पर आप फ्रेंड्स अगर फॉर्म फिलअप करते समय बोर्ड का नाम पूछता है तो आप एमपी बोर्ड भोपाल नहीं डालेंगे और बोर्ड में आप अपना नाम डालेंगे शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय पिपलिया बुजुर्ग ओके। इस प्रकार से आप अपना जो रोल नंबर डालेंगे प्रत्येक जो अपना ग्रेड के अनुसार जो आपको परसेंटेज मिला है वह निकालेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।